मोगा की अनाज मंडी में शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से नशे को लेकर विशाल रैली निकाली गई, जिसमें पंजाब के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा, प्रताप सिंह बाजवा, सुखपाल सिंह खेहरा समेत कई सीनियर नेता पहुंचे, जहां पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने आप सरकार पर जमकर आरोप लगाए और जमकर नारेबाजी भी की। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा ने कहा कि नशे को लेकर पंजाब सरकार की ओर से जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने में सरकार नाकाम रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे के कारण जो नौजवानों की मौत हो रही है उनकी वजह पंजाब सरकार है। केजरीवाल ने इलेक्शनों तो पहले गरंटी दी सी, मैं 3 महीनों पंजाब नूं नशा मुक्त कर, 1.5 साल बीतने तो बाद नशा अगे नूं कई गुणा वध गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 15 अगस्त वाले दिन 1 साल होर मंगया। मैं इको गल कही है, बरनाले की रैली विच बेचारे भाई, अब मंच से कोई ना खड़ा होवे, मेरी बेनती है सब तो पहला बड़ा सारे का तह दिलो धन्यवाद करता है कि तुम इतने आए हो। काका लोहगढ़ जी साडे जिले के प्रधान, आडा आडा इलाकों चो आए हुए साडे ਨਸ਼ੇ ਦੇ।